मंच पर हमारे साथ इस बार तो कुछ जोश और तरह का दिख रहा है और ये अच्छा है कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है और पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इस विधानसभा और पूरे पीलीभीत से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। अभी तक तो हमें यही पता लग रहा है लखनऊ में कि इस बार पीलीभीत में साइकिल चल रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये पीलीभीत हमारी बांसुरी के लिए भी जाना जाता है। ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी जान गए कि बांसुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन पीलीभीत की जनता तो तब चैन की बंसी बजाएगी जब भारतीय जनता पार्टी यहां से जाएगी। चैन की बंसी तभी बजेगी कि नहीं बजेगी, ये याद रखोगे कि किस तरह नुकसान किया इन्होंने, हमारे हर वर्ग के लोगों को दुखी किया, ने के दही दुखी किया। हम तो अपने सभी गुरुओं संत और सबको प्रणाम करते हैं और अपने सिख भाइयों से भी कहेंगे कि इन्होंने अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और कभी भी अगर देश की रक्षा के लिए इन्हें अपनी जान भी निस्सार करनी पड़ी होगी तो हमारे सिख समाज के लोग कभी पीछे नहीं हटे होंगे। इसलिए हमारे सिख समाज ने देखा है किस तरीके से आंदोलन चला था, कितने लोगों की जान चली गई। बताओ इस चुनाव में दिल्ली वालों को सजा दोगे कि नहीं सजा दोगे, अपने वोट से इनको सजा दिलाओगे कि नहीं। ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव हमारा लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है और ये चुनाव हमारे आपके भाईचारा की जो मोहब्बत का और प्रेम से हम लोग रहते आए हैं, जो हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए चुनाव आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। सोचो अगर संविधान को खतरा हो जाएगा तो बताओ हमारे अधिकार छीने जाएंगे कि नहीं छीने जाएंगे। जो अधिकार हमें मिले लड़ करके देश की आजादी दिलाने के लिए, इस देश के लोग एक हो गए थे तब देश की आजादी मिली थी। आज फिर हमें एक बार अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बताओ आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। बताओ हमारे किसान भाइयों, एमएसपी के लिए लगभग 1000 किसानों की जान गई कि नहीं गई, बताओ आप। दिल्ली में जब तीन काले कानून हटने थे,
एमएसपी को कानूनी अधिकार मिल जाए। 1000 किसानों ने की लगभग जान गई कि नहीं गई, तो बताओ हम समाजवादी लोगों ने और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि सरकार बनेगी तो एमएसपी के लिए कानून बना करके अपने किसानों को एमएसपी फसलों की दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे बल्कि हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, ये जो दिल्ली वाले लोग हैं इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े कारोबारियों के 15 लाख करोड़ बैंकों का पैसा माफ किया है। अभी तक 10 साल में इन्होंने लगभग 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और ऐसा भी देखने को मिला है कि जिन व्यापारियों ने कर्ज लिया, जो कर्ज नहीं दे पाए उनको माफ कर दिया इन्होंने और दोबारा बैंक से उन्हें कर्ज दिलवा दिया। ये आपने आंकड़े निकलवा लेना है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे उद्योगपति वो भी हैं जो कर्ज में डूबे थे, कर्ज उनका माफ करके बीजेपी ने बचाया और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। बताओ इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वालों का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? आपको तो पता होगा देश में सबसे ज्यादा वसूलने का काम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो बीजेपी ने किया कि नहीं किया। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन है, बनेगी सरकार, किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। जब उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ ना हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होगा? तो बताओ अपना वोट देकर के कर्ज माफ कराने का काम करोगे? संविधान बचाने के लिए भी वोट कर देना, क्योंकि आपके वोट से ही संविधान बचेगा, आपके वोट से ही देश का लोकतंत्र बचेगा, आपके वोट से ही किसान खुशहाल होगा, आपके ही वोट से नौजवान को नौकरी मिलेगी, आपके ही वोट से आरक्षण बचेगा। और हम फिर कहते हैं एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा ये पीडीए परिवार हराएगा, ये पीडीए परिवार बैठा है यही एनडीए को हराने का काम करेगा। वैसे तो हमारे साथी घर घर जा रहे होंगे वोट मांगने के लिए, वैसे तो हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे होंगे वोट मांगने। बताओ गांव गांव जाओगे वोट मांगने के नहीं जाओगे? हर घर वोट मांगने जाओगे कि नहीं जाओगे? हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे अपील है, हमारी आपसे प्रार्थना है। बताओ भारतीय जनता पार्टी का जो लूट और झूठ का प्रचार है उसका घर घर प्रचार करके बताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बताओ बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लूट की है कि नहीं की है? तो ये झूठ और लूट का प्रचार करोगे घर घर के नहीं करोगे? और अपने बोर्ड से लोकतंत्र को बचाओगे? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं? ये कहते हैं ये इंडिया गठबंधन नहीं है, कौन सा गठबंधन है? क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन का, क्या कहते हैं? बताओ जिन्हें इंडिया कहने में ही शर्म आती हो, ये इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है। बताओ हमें बीजेपी को ये भी सिखाना पड़ रहा है, हमारे गठबंधन की जो INDIA है ये इंडी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। और ये इंडिया ही गठबंधन है जो पीडीए परिवार को साथ लेकर के एनडीए का मुकाबला कर रहा है। और हम कह के जा रहे हैं जो कह रहे हैं 400 पार, इस बार यूपी से जाएंगे हार। ये 400 पार नहीं, ये 400 हारने जा रहे हैं।
और अगर ये 400 जीत रहे होते तो बताओ इतने घबराए हुए होते ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? और इसलिए घबराए हुए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया। बताओ जेल भेज दिया कि नहीं भेजा है? और अगर 400 पार हो रहे होते तो सब ऐरे गहरे नत्थू खैरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है बरेली में कोई माफिया को भी शामिल कर लिया, जिनको ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी कहते थे, बताओ इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया कि नहीं ले लिया? जो इन्हें दिन रात गाली देते थे उन्हें ले लिया कि नहीं ले लिया अपने साथ? उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई दल थे, सुबह से शाम तक बहुत बुरा भला कहते थे बीजेपी को। और हमारे नौजवान तो जानते होंगे, यूट्यूब चलाना, सोशल मीडिया पे समय गुजारना जानते हैं। इनके जरा पुराने वीडियो निकाल लो, बताओ कितना बुरा भला बीजेपी को कहते थे। और दुख तो इस बात का है कि हमारे प्रेस के लोग भी चुप हैं, क्योंकि प्रेस के लोगों को भी दाना मिल जाता है, तो जैसा दाना वैसा इनका गाना, बताओ है कि नहीं है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कोई बहस नहीं, एक आध चैनल है जिसमें बहस हो रही है, एक आध चैनल है उसमें बहस हो रही है, जब आपके साथ ये भी नहीं है। और जो यूट्यूबर साथ हैं उनको बैन लगा रहे हैं, कभी झूठा मुकदमा लगा देते हैं। हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच दिखाना चाहेंगे, अगर दिन में सच दिखाया तो रात में इनके पास पुलिस पहुंच जाती है। बताओ पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? देखो हमारे प्रेस के लोग भी सहमत हैं हमसे, ये हालत पैदा हो गई है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। अपना बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? प्रचार करोगे झूठ का कि नहीं करोगे? बीजेपी के झूठ का। और बीजेपी की लूट को बताओगे कि नहीं बताओगे? बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में केवल झूठ बोला है और लूटने का काम किया है। इनको बताओ हराओगे चुनाव में कि नहीं हराओगे? इसलिए ये मौका मिला है हम सबको, हम आपको सबको मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का, और साथ साथ अपने अन्याय से मुकाबला करने का। ये बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगर दुनिया की गरीबी के पैरामीटर से अगर हम देखें तो गरीबी में हम कई देश जो हमारे पड़ोसी उनसे भी नीचे जा रहे हैं। हम महंगाई में भी उन देशों के मुकाबले पीछे चले गए, बेरोजगारी में भी पीछे चले गए। और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो भारत पर है। बताओ अगर कर्ज वाला देश होगा तो क्या दुनिया में हमारा पहचान बनेगी क्या? इसलिए आपको सोचना होगा, इस देश को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी हैं भगवत सिंह गंगवार, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ इनके पक्ष में समीकरण है कि नहीं है? ये अग्निवीर और पेपर लीक वाले नौजवान हमारी बूथ में मदद करने का काम करना, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? इस पीलीभीत में ना इलाज मिल रहा है ना दवाइयां हैं, और जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी एम्बुलेंस की, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खत्म कर दी, और पुलिस को 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी। बताओ गाड़ी को खराब कर दिया पुलिस ने कि नहीं खराब कर दिया? और 100 से कौन सा नंबर कर दिया? इन्हें लगा इनका भी रेट बढ़ गया तो इन्होंने भी रेट बढ़ा लिया।
बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करोगे तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आए हुए किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूँ, आए हुए नौजवानों का धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस देश को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि बीजेपी की जो पहचान बन गई है लूट की और झूठ की, उसको घर पहुंचाने का काम करना, जिस समय आप घर घर पहुंचा देंगे आपका प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी अपने आप ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम कई अपने प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों को देख रहे हैं, हमें उम्मीद है उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहेगा और आशीर्वाद हम लोगों के वोट के माध्यम से दे देना, यही सबसे बड़ी जीत होगी। जो लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं 14 में, वो 24 में जा रहे हैं, जब विदाई हो तो पीलीभीत से भी बड़ी धूमधाम से विदाई हो, इन लोगों की लाखों वोटों से हरा करके भेज देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।